घृणा का अनुभव हर किसी ने किया है। किसी व्यक्ति का नाम सुनते ही मन में कड़वाहट आ जाए, हमारे अंतर्मन में इच्छा जागे कि उस व्यक्ति का सर्वनाश हो, वही तो है घृणा, है ना? उसी व्यक्ति ने हमारे प्रेम को ठुकराया, या हमारी कोई संपत्ति चुराई, या कारोबार में हमें धोखा दिया। ऐसे कई सारे कारण हम सोच लेते हैं जिसकी वजह से हमारे मन में घृणा उत्पन्न होती है। परंतु क्या वास्तव में किसी कार्य का हमारी घृणा से कोई संबंध है? विचार कीजिए। एक धर्म के मानने वाले को दूसरे धर्म के लोगों के प्रति घृणा क्यों होती है? यहाँ तो किसी ने किसी को सीधा नुकसान नहीं पहुँचाया। हमारे मन में किसी के लिए घृणा क्यों जन्म लेती है? क्या इसका संबंध किसी के कार्य से है या हमारे मन से है? क्योंकि विश्व के सारे धर्म प्रेम और शांति का प्रतीक हैं, है ना? वास्तव में जब कोई हमारे प्रेम संबंध को तोड़ता है तो हमें डर लगता है कि हम जी नहीं पाएंगे। जब कोई हमें धोखा देता है तो हम परेशान हो जाते हैं, हमारे अंदर डर पैदा हो जाता है और यही डर उस व्यक्ति से घृणा करने पर मजबूर कर देता है। वास्तव में घृणा का संबंध किसी मान्यता अथवा कार्य से नहीं जुड़ा है, वह केवल हमारे हृदय के भय अथवा डर से जुड़ा है। जिसके अंदर से डर निकल जाता है, जो निर्भय हो जाता है, वह किसी से घृणा कर ही नहीं सकता। और डर के पार जाना अति आवश्यक है, क्योंकि डर वो दीमक है जो मनुष्य की आत्मा को खा जाता है। इन सब पर आप चिंतन, मनन और विचार अवश्य कीजिएगा। मन आपका प्रसन्न होकर बोलेगा, राधे राधे।